कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिक्स्थ लेक्चर। सिक्स्थ लेक्चर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल। जो भी हम नेटवर्क डायग्राम अभी बना रहे हैं उसके लिए रूल AOA के लिए नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स AOA डायग्राम। एक्टिविटी ऑन एरो, ओके AOA इट इज नथिंग बट एक्टिविटी ऑन एरो। रूल वन, ईच एक्टिविटी, ईच activity is represent by one and other, one and only, sorry, one and only one arrow, one and only one arrow। एक activity के लिए one और सिर्फ one ही arrow रहेगा in the network। दो एरो नहीं रहेगा नेटवर्क। एन माइनस एक्टिविटीज इज इक्वल्स टू एन माइनस एरो। नंबर्स, ओके। रूल टू, सीधा सीधा आप ये ध्यान रखो कि एक एक्टिविटी के लिए एक ही एरो रहेगा। अभी तक हम वही बनाते हुए आ रहे हैं, ओके। ये रूल्स मुझे, मैं क्यों देख रहा, ये रूल्स के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसलिए टू डिफरेंट एक्टिविटी, टू डिफरेंट एक्टिविटी, two different activity cannot be identify by the same beginning, एंड एंड। बिगनिंग हो सकता लेकिन बिगनिंग और एंड दोनों सेम नहीं रहेगा। यानी बिगनिंग और एंड ये दोनों सेम नहीं रहेगा। बिगनिंग सेम हो सकता लगे तो एंड सेम हो सकता, इसमें से कोई भी एक सेम हो सकता, दोनों सेम नहीं रह सकते। दोनों सेम अगर रह गए तो वो एक ही एक्टिविटी हो गई ना, उसको दो एक्टिविटी कैसे बोलेंगे अपन, दो एक्टिविटी नहीं रहेगी वो, ओके। यानी ये ए है बा और ये बी है और यहाँ पे दूसरा मैंने निकाल दिया, ये वन नोड है, ये टू नोड, दिस इज रॉन्ग। एक तो ये ए है, एक तो ये बी है, ओके। ये नहीं हो सकता, ओके। खुशबू आता पन ही दिखता है तुला ब्लर, ओ एक मिनट मी रिजॉइन करून बघतो, ठीक है, एक मिनट। आता सांग।
आई सर ब्लर। अच्छा म्हणजे नेटवर्कच इश्यू आहे तुझ्याकडे डायरेक्टली. कधी कधी मी रिजॉईन केल्यावर क्लिअर दिसतं ना. ओके नो इश्यूज. नाव एक्झाम्पल. एक्टिविटी प्रेडिसेसर ए बी सी ए बी एंड ए. सो यहां पे अगर मैं एक्टिविटी की डायग्राम मैंने ये एक बना था तो वन नोड से मेरा ए भी निकल रहा और मेरा बी भी निकल रहा. ये नोड मेरा 3 हो गया, ये नोड मेरा 4 हो गया. अब सी मेरा ए और बी से निकल रहा, ए और बी से मेरा क्या निकल रहा, सी निकल रहा. ओके तो ए और बी से मेरा सी निकल रहा, तो मैं क्या कर सकता, मैं यहाँ पे डमी एक्टिविटी ले सकता. ऐसी ले सकता क्या? नहीं, क्योंकि ए से मेरा डी भी निकल रहा, सो मैं नीचे डमी एक्टिविटी लेना पड़ेगा. यानी सिर्फ ए से क्या निकल रहा, मेरा डी निकल रहा, सिर्फ ए से मेरा डी निकल रहा और ए और बी से मेरा सी निकल रहा. ओके सो दैट इज डमी. ओके डमी एक्टिविटी, सो दिस इज रिक्वायर्ड. ओके नेक्स्ट एग्जांपल. एक्टिविटी प्रेडिसेसर ए बी सी डी ई एफ बी सी एंड बी. ओके सो व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली पहले नोड से मेरे तीनों निकल रहा है, ए निकल रहा, बी निकल रहा, सी निकल रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ ए बी सी. डी से कौन निकल रहा, यानी डी कहाँ से निकल रहा, ए और बी से निकल रहा, ए और बी से निकल रहा, बी से और ई भी निकल रहा, ई और सी निकल रहा, तो मैं यहाँ पे ऐसी मुझे डमी लेना पड़ेगा, दैट इज माई डी. ओके डी इज लास्ट, डी से कोई नहीं निकल रहा, यानी मैं इसको एक लास्ट पकड़ लेता 5. ओके बाद में बी और सी से, बी और सी से, और बी से फिर अलग एक निकल रहा है, यानी इस तरह डमी पकड़ना पड़ेगा. ये ऊपर डमी हो गया, ये नीचे डमी हो गया, तो यहां से ये मेरा ई निकल गया और सिर्फ बी से एफ निकल रहा. इस तरह की ये एक्टिविटी होगी, दैट इज डमी, ये डमी, लेकिन नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा. ओके इस तरह आपको यानी रूल 2 फॉलो करना पड़ेगा. ओके रूल 3 नो लूपिंग. परमिटेड, नो लूपिंग इज परमिटेड. व्हाट इज लूप? वन, ये सपोज ए एक्टिविटी है, ये 2 पे चला गया मैं, 3 पे आ गया मैं, और यहां से ऐसी मैं नहीं जा सकता, यानी ये ऐसी लूपिंग नहीं कर सकता मैं. यानी ए से जाके ये बी पे आया मैं, और बी पे जाके मैं सी पे, ए पे फिर से वापस नहीं आ सकता, दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट वैलिड. ओके सो दिस इज रॉन्ग. ओके यहां से भी ऐसी नहीं कर सकता, यानी यहां से ऐसी वापस नहीं आ सकता मैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके
दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि स्टार्ट हो रहा तो एंड पे जाने को ना, क्योंकि स्टार्ट हो रहा तो एंड पे जाने को ना, स्टार्ट हो गया फिर से स्टार्ट पे नहीं आ सकता, दैट इज लूप। लूप आप इलेक्ट्रिक करंट में देख सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज में नहीं चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वहां पे आप ले सकते हैं, यहां पे नहीं। लूपिंग वी ऑल्सो डिस्कस इन FM ऑल्सो, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ओके एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब कुछ अपन वहां पे लूपिंग अपन फिर से वहां पे देखेंगे। लेकिन मेजर वर्क्स फॉर लूपिंग एंड मेज इट इज इन इलेक्ट्रिक, आई थिंक सो, एसी करंट वी टुक दिस। ओके एसी करंट में अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, अपना पार्ट नहीं है। ओके रूल फोर, रूल फोर, नो डैंगलिंग, नो डैंगलिंग इज परमिटेड। अब ये क्या होता बोलना, बताता यानी ये वन आ गया, वन से टू पे चले गया, पर ये थ्री पे चले गए, ये यहां से फाइव पे चले गए और यहां से फोर पे चले गए। ये एक मिक्स यानी डंगलिंग यानी ये दोनों भी मेरे क्या रहने को ना, ज्वाइन रहने को ना लास्ट में, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ऐसी नहीं रहने को ना। ओके दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, लास्ट मेरा जुड़ के रहने को ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, लास्ट एंड इट इज मीट टू इच अदर, रॉन्ग। ओके रूल आप लगे तो यहाँ पे लिख लो, लास्ट एंड, लास्ट एंड मीट टू इच अदर, ऐसे डैंगलिंग अदर अदर नहीं रहने को ना। रूल फाइव, ओके मिनिमम नंबर ऑफ डमी एक्टिविटी आर परमिटेड, मिनिमम नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज आर परमिटेड। एक्चुअली अननेसेसरी, डमी क्रिएट्स एरर, अब अगर ये अननेसेसरी है, यहाँ पे मैं साइड डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर सकता था और ये गलत भी है, तो ये अननेसेसरी है, ये मैं नहीं करूंगा, ये डायरेक्टली मैं ज्वाइन करूंगा। नेक्स्ट इट इज गाइडलाइंस, दैट इज रूल्स, नेक्स्ट गाइडलाइंस,
गाइडलाइन। फर्स्ट, नेटवर्क शुड बी डॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्लीज। राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट। इंडियंस ड्रॉ लेफ्ट टू राइट, अमेरिकन ऑल्सो लेफ्ट टू राइट। ओके, सो प्लीज नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गाइडलाइन। रूल नहीं है ये, आप राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन है सबको समझने के लिए। ओके, सबको समझने, सबको अंडरस्टैंड होने के लिए। दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट, नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड गाइडलाइन, यूज स्ट्रेट एरो, यूज स्ट्रेट एरो एंड अवॉइड क्रॉसिंग अप टू पॉसिबल इवेंट। अवॉइड क्रॉसिंग अप टू पॉसिबल इवेंट, क्रॉसिंग नहीं करना है। ओके, क्रॉसिंग नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी, प्रेडिसेसर, ड्यूरेशन, पी सिक्स, क्यू पी 15, आर क्यू टी 12, एस क्यू टी 16, सॉरी आर टी पी 10, यू क्यू एंड टी, क्यू एंड टी 14, देन 16, यू वी। प्लीज ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज। प्रोजेक्ट इज खत्म, तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, दैट इज योर होमवर्क। सीई 2 मार्क्स 2012। ओके, कर सकते हैं ना आप गाइस, इज इट पॉसिबल ना? यस सर। ओके, आंसर इट इज 51। ओके, आंसर भी लिख लो 51। या करके दूं मैं, जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या आपको? नहीं है ना? नहीं आया तो कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन मिनट, आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो इसका।